पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। So, Miss Kavya. राजवीर, I really like Varun. हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो आपकी शादी वरुण के साथ हो रही है ना? हाँ, लेकिन ऐसे वैलेंटाइन डे ट्रिप पर जाना दोस्तों के साथ, I don't know, तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी बिल्कुल यही लगता है। मुझे नहीं लगता कि आपको वरुण के साथ इस ट्रिप पे जाना चाहिए। आई मीन, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं पुराने ख्यालों वाला हूँ तो बिल्कुल सही लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती हूँ, बल्कि सेम सोचते हैं हम। पर ये बात उसे कैसे कहूँ, ऐसे उसे बुरा लगेगा ना। वैसे मेरे पास एक प्लान है। क्या? आप जाकर चाय पियो, मुझे एक कॉल करना है। ओके ओके। हेलो, कल फ्री हो? लूथरन हाउस में वैलेंटाइन की पार्टी है। सो वरुण, अगर आपका वीकेंड का कोई प्लान है तो कैंसिल इट, और अगर नहीं है तो अब बन गया। अरे नहीं नहीं, मेरा प्लान है, ऑलरेडी बना हुआ है। मैं उसी चीज की परमिशन लेने आया था यहाँ पे सबसे। एक्चुअली मेरे फ्रेंड सारे जा रहे हैं वीकेंड पे बाहर वैलेंटाइन डे मनाने के लिए, तो मैं चाह रहा था कि काव्या को भी बाहर ले जाऊँ। नहीं 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 नहीं, काव्या कहीं नहीं आएगी। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन काव्या यहीं पर रहेगी, क्योंकि वैलेंटाइन डे की पार्टी यहीं लूथरन हाउस में है। रियली? यस। काव्या, तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। हाँ वो एक्सक्यूज मी, एक सेकंड ना। तो गाइस, ये जो पार्टी का प्लान है वो मैंने अभी बनाया है, क्योंकि मेरी बहन काव्या नहीं चाहती कि वो वरुण के साथ ट्रिप पर जाए। वो यहाँ पर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, तो काव्या वरुण के साथ कहीं नहीं जाएगी। आई मीन जाएगी, बट शादी के बाद। एग्जैक्टली करेक्ट, आई लाइक योर प्लान। ऑलराइट गाइस, फिकर नॉट। तो जो मेरे फ्रेंड्स वीकेंड पे वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए फार्म पे जा रहे थे, मैंने प्लान कैंसिल कर दिया है और अब मैं नहीं जा रहा हूँ। वाओ, इसका मतलब आपने ऑलरेडी प्लान्स बना लिए थे। हाँ, बट इट्स ओके, उससे बेटर प्लान तो यहाँ बना हुआ है। आई मीन, पूरी फैमिली के साथ जो मजा है सेलिब्रेट करने का, वो बाहर जाके थोड़ी आएगा, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए मैं ये नहीं चाहता कि काव्या फैमिली पार्टी मिस कर दे। वाओ, दैट्स ग्रेट। ठीक है बुआ, मैं निकलता हूँ, मैं मॉम से भी मिल लूंगा। एक मिनट, हाँ भाभी से कहना कि शाम को मैं आऊंगी उनसे मिलने। ओके, ठीक है, तो फिर मिलता हूँ मैं तुमसे। जी सर, एंजॉय। तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग बेटा। करीना बुआ, आपको नहीं लगता कि करण की ये जो आज सिचुएशन है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ प्रीता है? क्या जरूरत थी करण को प्रीता की वजह से गोली खाने की? Hey you, listen. आज तुझे मेरी बात सुननी होगी राजवीर। नहीं सुनूंगा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं बस वही करूंगा, समझा? इधर मुंह कर, इधर मुंह कर, और ये ले। अगर आप बात नहीं करोगे तो नहीं खाऊंगा। तो मैं डांटूंगी तुझे, नहीं खाऊंगा। चलेगा, डांट लो आप। लेकिन मुझे नहीं चलेगा। तू ऐसे भूखे पेट रहे, कुछ नहीं खाए, तो मुझे नहीं चलेगा। तो ठीक है, मैं तुझे खाना भी खिलाती हूँ और तुझसे बात भी करूंगी। खोल अब मुंह। आ, लेकिन अगली बार तूने ऐसे किया ना, मेरा इतना दिल दुखाया, मुझे इतना हर्ट किया ना, तो ये जो तेरा रूठना मनाना है ना, खाना नहीं खाना है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, इसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। फिर मैं पक्का तुझसे बात नहीं करूंगी।
आखिरी चांस है। वो खोल। ओ जीना 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 उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरिया लहराए जब जब मुझ पे उठा सवाल माई तेरी चुनरिया लहराए। राजवीर पुत्र तुम्हें तुम्हारी माँ मिल गई ना और तुम्हारी माँ का प्यार भी। चलो अब एक और बात जान लो कि तुम्हारी माँ ने तब से खाना नहीं खाया जब से तुमने खाना छोड़ा। दी माँ ऐसा नहीं है मैंने खाया है। पहले तू पेट भर के खा ले। देख ये मैंने तेरे लिए बनाया है ना पहले तू। ओ, ओ, ओ मेरी परछाई तेरा ख्याल मरी तेरी चुनरिया लहराए जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। हाँ बुआ अरे मैं अभी मॉम से मिलकर बाहर निकला हूँ। उनकी तबीयत अब काफी बेहतर है और मैंने इसी खुशी में ना पूरे स्टाफ में बख्शीश बांटी है। कहते हैं ना दुआओं में बहुत दम होता है। चले ठीक है बुआ मैं घर पे मिलता हूँ आपसे। ओके बाय। सर सर आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना तो नहीं लेकिन आई थिंक मैं अंदर जब बख्शीश बांट रहा था तो शायद आपको ही मैंने बख्शीश दी थी राइट? जी सर। हाँ सर मेरे पास एक खबर है जो मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझे और बख्शीश दीजिएगा। कैसी खबर? सर एक राज की बात है जो सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं। कैसा राज? सर खून का राज। खून का राज। सर आपको पता है कि आपको खून किसने दिया? मुझे खून किसने दिया मतलब तुम उस आदमी का नाम जानते हो जिसने मुझे खून दिया जिसने मेरी जान बचाई है? क्या नाम है उसका? सर आपको सच में जानना है? हाँ हाँ ऑब्वियसली मैं जान। देखो अगर तुम्हें और बख्शीश चाहिए मैं तुम्हें बख्शीश देने के लिए तैयार हूँ। बताओ उसने उसका नाम क्या है कौन था वो? सर कितने पैसे देंगे? अरे तुम जितने बोलोगे मैं उतने पैसे दूंगा। नाम तो बताओ। सर ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है और ये सुनकर आपको शौक भी लगेगा। तुम्हें कैसे पता कि मुझे शौक लगेगा? सर अब इतना दिमाग तो है मेरे पास क्योंकि जो खबर मेरे पास है वो सच में बहुत बड़ी है। अरे प्लीज नाम बताओ मुझे उसका। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सर 25,000। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।